दो सिर वाला गिद्ध पक्षी जाल। जंगल में क्यों इतनी भागदौड़ मची है और ये सारे जानवर इतने डरे हुए और घबराए हुए क्यों हैं? अरे वो देखो, दो मुंह वाला गिद्ध। अरे बाप रे, ये कितना भयानक है। पर ये यहाँ पर कैसे आया, आइए जानते हैं इस कहानी में। एक बार दो मुंह वाला गिद्ध दूर किसी जंगल से भोजन की तलाश में इस जंगल में आता है। वो जंगल में जानवरों को देखकर बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, कितने सारे जानवर हैं यहाँ। अब मैं आराम से यहाँ रह सकता हूँ, यहाँ तो भोजन की कोई कमी नहीं है। ये सोचकर वो आराम से उड़ता हुआ आता है और एक जानवर को पकड़कर मार देता है और उसे खाने लगता है कि तभी वहीं पास में पेड़ के नीचे आराम कर रहा खरगोश ये देख लेता है। अरे बाप रे, ये सच है या सपना, दो मुंह वाला गिद्ध। ये सोचकर खरगोश डर के मारे वहां से भाग जाता है। खरगोश भागते भागते हिरण व हाथी के पास जाता है। वो दोनों तालाब के पास पानी पी रहे थे। अरे अरे संभल के, क्या हुआ, इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? खरगोश बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था और उसकी सांसें फूल रही थी। अरे दोस्त, क्या हुआ, तुमने कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं देख लिया, इतने डरे हुए क्यों हो? दोस्तों, वो भूत और चुड़ैल से भी बढ़कर है। हमारे जंगल में दो मुंह वाला गिद्ध आया है जो आसमान से उड़ता हुआ आकर हम छोटे जानवरों को खा रहा है। खरगोश की बात सुनकर हाथी और हिरण चौंक जाते हैं। देखो दोस्त, बुरा मत मानना, पर तुम्हारे सर पर तो कहीं चोट नहीं लगी जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। भला दो मुंह वाला गिद्ध कहीं होता है क्या? नहीं दोस्त, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो हमारे जंगल में आया है। हाथी और हिरन को खरगोश की बात पर यकीन हो जाता है। तुम घबराओ मत दोस्त, मैं उस गिद्ध को अपने जंगल से भगा दूंगा, तुम देखना। दूसरी ओर दो मुंह वाला गिद्ध दिन भर दो या तीन शिकार तो कर ही लेता था। जंगल में धीरे धीरे जानवरों की संख्या कम होने लगी। एक दिन जंगल के सारे जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं और उस दो मुंह वाले गिद्ध के बारे में बातें करने लगते हैं। अरे आती बहन, तुम जल्दी ही कुछ करो, इस कमबख्त दो मुंह वाले गिद्ध की वजह से जंगल में घूमना मुश्किल हो गया है। हमारे जंगल के जानवरों की संख्या भी कम होने लगी है, अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जंगल में सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। तुम लोग परेशान मत हो, मैं उसकी अभी खबर लेता हूँ। ये कहकर हाथी दो मुंह वाले गिद्ध को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में गिद्ध को हाथी नजर आता है। हाथी उसके पास जाता है और कहता है, अरे ओ गिद्ध, जहाँ से आया है वहीं वापस चला जा तू। नहीं तो क्या कर लेगा, ओ पर्वत जैसे शरीर वाले, तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मुझे पर्वत कहा, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये कहकर हाथी अपनी सूंड से गिद्ध पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले हाथी उस पर हमला करे गिद्ध उड़ जाता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे ओ पर्वत, मुझे मारना इतना आसान नहीं है, चल भाग यहाँ से, नहीं तो तेरी खैर नहीं। ये कहकर गिद्ध अपने नाखूनों से हाथी पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। हाथी उदास होकर वहां से चली जाती है। रास्ते में हाथी को लोमड़ी मिलती है। हाथी, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाथी लोमड़ी को सारी बात बताता है। तुम परेशान मत हो, हम सब मिलकर उस दो मुंह वाले बाज को पकड़ लेंगे। सारे जानवर फिर एक जगह इकट्ठा होते हैं। तब लोमड़ी कहती है, देखो उस गिद्ध को पकड़ने के लिए मेरे पास एक उपाय है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। लोमड़ी सारे जानवरों को कुछ बताती है और गिद्ध से मिलने जाती है। अरे लोमड़ी, तुम यहाँ, क्या बात है? वो आज मेरा जन्मदिन है तो मैंने एक दावत रखी है, अगर तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या दावत, कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? भला मैं क्यों आपसे पंगा लूंगी, वैसे मैंने देखा है कि आपने हाथी का क्या हाल कर दिया, मैं तो बस आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, आप जैसे ताकतवर पक्षी को दोस्त बनाकर मेरा ही तो फायदा है। लोमड़ी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर गिद्ध बहुत खुश हुआ और वो दावत में आने के लिए तैयार हो गया। शाम को गिद्ध लोमड़ी की बताई हुई जगह पर जाता है, वहाँ ढेर सारा भोजन रखा था। वो देखकर गिद्ध के मुंह में पानी आता है। दोस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ आए, आराम से भोजन खाओ और आराम करो। गिद्ध भोजन खाना शुरू कर देता है। वो ठूस ठूस कर भोजन खा लेता है और सो जाता है। जैसे ही गिद्ध सो गया, सारे जानवर वहाँ पर आते हैं और उसे रस्सियों में बांध देते हैं।
गिद्ध को जब होश आता है वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। अरे किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे बांध दिया, मुझे खोलो। सारे जानवर लोमड़ी को धन्यवाद करते हैं जिसकी वजह से उनका दो मुंह वाले गिद्ध से पीछा छूट गया और इसके बाद सारे जानवर हंसी खुशी रहने लगे। मंकी एंड डॉग्स। गांव के पास एक पेड़ पर बंदरों का एक झुंड रहता था। उसमें सनी नाम का एक बंदर था जिसका दोस्त मनु एक कुत्ता था। वो दोनों अच्छे दोस्त थे पर एक दिन पता नहीं किसी बात से उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अरे मनु, तू मेरी बात सुनता है कि नहीं? मैं जैसे कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्त होके तू मुझे धमकी दे रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? जा, मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला, जा। तब सनी बंदर मनु पर हमला कर देता है। मनु को बहुत गुस्सा आता है इसलिए वो उसे इतना मारता है कि उसकी जान ही निकल जाती है। अपने दोस्त को मरा पाकर उसे रोना आ जाता है। अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने गुस्से में अपने दोस्त को ही मार दिया, पर शुक्र मनाओ कि मुझे किसी ने देखा नहीं, यहाँ से भाग जाता हूँ जल्दी। मनु चुपके से वहां से भाग जाता है। तभी वहां बंदरों का झुंड आता है। अपने सनी को मरा पाकर उनकी आंखों में रोना आ जाता है और सनी की माँ भी रोने लगती है। हाय मेरा बच्चा, किसने मेरे बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा, अब मैं किसके सहारे जीऊं, मेरा एक ही तो जीने का सहारा था, मेरा सनी। ऐसा कहकर वो सनी की माँ रोती रहती है कि तभी वहाँ पर बंदर आता है। वो कहता है, मुझे तो लगता है कि ये सब उस मनु ने किया है क्योंकि सनी उसी मनु के साथ ज्यादा रहता था। हम सबको मिलके उस मनु से सनी की मौत का बदला लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखो तो सनी की माँ का क्या हाल हो रहा है, रोते रोते बिचारी। ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें उसकी मौत का बदला लेना ही होगा। सारे बंदर मिलकर मनु को ढूंढने लगते हैं। मनु सनी के लिए दुखी तो था पर उसी के साथ वो बहुत डरा हुआ भी था। वो एक जगह छुप कर बैठा हुआ सोच रहा था, काश उस दिन अपने दोस्त की बात मान ली होती, अपने गुस्से पर कंट्रोल किया होता तो आज मेरा प्यारा दोस्त जिंदा होता। मैंने मेरे हाथों से मेरे दोस्त की जान ले ली, वैसे मुझे जीने का तो कोई हक नहीं पर मैं डरपोक भी तो हूँ, खुद की जान भी नहीं ले सकता। सनी मुझे माफ कर दे। ऐसा कहकर वो रो ही रहा था कि तभी वहाँ बंदरों का झुंड आ जाता है। मनु को देख कर एक बंदर कहता है, अच्छा तो तू यहाँ छुपा हुआ है, तुझे क्या लगा कि हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? हमें पता है कि सनी को तूने ही मारा है, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, साथियों पकड़ो इसे। मुझे मत मारो, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मनु बंदरों के सामने गिड़गिड़ाने लगता है पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उसे पकड़ कर एक बड़े ऊंचे पेड़ पर ले जाते हैं और वहां से मनु को फेंक देते हैं, जिस वजह से मनु भी मर जाता है। बंदरों का झुंड खुशी मनाने लगता है पर तभी वहाँ कुत्तों का झुंड आता है। तभी कुत्ता कहता है, अरे दोस्तों, इन बंदरों ने हमारे मनु की जान ले ली, हमें भी हमारे मनु की मौत का बदला लेना चाहिए। तभी एक बंदर पेड़ से कहता है, हाँ तुम्हारे मनु ने हमारे सनी की जान ली थी, अगर तुमने फिर से हम पर हमला किया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दोनों झुंड बदले की आग में जल रहे थे कि तभी वहाँ सनी और मनु की माँ आती है। मनु की माँ कहती है, बंद करो ये लड़ाई झगड़ा, मेरा बेटा मर गया, वो कभी वापस नहीं आ सकता, पर तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ मेरा सनी भी कभी वापस नहीं आने वाला, और तुम ऐसे ही बदला लेकर आपस में लड़ते रहे तो न जाने कितने सनी और मनु भी मारे जाएंगे और यहाँ कोई जिंदा नहीं रहेगा, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, सब मारे जाएंगे और बदला कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए हम दोनों माँ आप सबसे विनती करते हैं, बंद करो ये बदले का तांडव, जो हुआ उससे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मनु और सनी की माँ की बातों से कुत्ते और बंदर अपना अपना गुस्सा छोड़कर दोस्ती कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, गुस्से से हम अपने प्रिय व्यक्तियों को खो सकते हैं और बदले की आग बहुत ही भयानक होती है जो सबको जला कर देती है।